सक्सेसफुली फेल्ड। आई कैन टेल यू कि मैंने कैसे इसको फिक्स करके रखा हुआ इधर से, एंड इट्स हॉरिबल। हेलो, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। शायद मैं इसे अपलोड करूं, क्योंकि मैं ऐसे पड़ी पड़ी ना एक बहुत ही क्रिंज आइडिया मेरे दिमाग में आया है, और मेरा मन कर रहा है आज कुछ क्रिंज करने का यार, क्योंकि बहुत टाइम है मेरे पास, पूरी वेली बैठी हुई आज। तो फिर मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस थॉट को अंजाम दिया जाए। इसको तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेकअप से, क्योंकि मुझे नहीं आता है क्लियरली, मतलब बिल्कुल भी मेकअप करना नहीं आता, फिर भी जो जितना आता है और जितने सामान मेरे पास है मेकअप के, उसमें से थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं। तो मतलब करेंगे तभी तो सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये मेरे पास कुछ बॉक्सेस जिसमें इकट्ठा कहीं भी सामान नहीं है, सारा इधर उधर स्कैटर्ड है। तो फिर निकाल के देखते हैं किसमें क्या है और क्या मेरे लिए यूज़फुल है। लेट्स बिगिन। अब मुझे नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, बट आई हैव दिस फाउंडेशन जो मैं लगाऊंगी, क्योंकि थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं वो शायद छिप जाएं, मुझे नहीं पता। बस उल्टा रिएक्शन ना कर दे भाई, मुझे नहीं पता मैं सही अप्लाई कर रही हूँ या नहीं, बट हाँ। देखो मैंने तो ऐसे ही देखा है लड़कियों को मेकअप जो करती है ना, वो ऐसे ही कुछ तो करती हैं। अरे यार कुछ तो लग रहा है, मतलब अगर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, फिल्टर लगा लेंगे और क्या। कॉलेज वालों से गुजारिश है, एग्ज़ाम के बाद ना इतना ज़्यादा गैप ना दिया करें प्रैक्टिकल्स के लिए, वरना हम जैसे बच्चों को समझ नहीं आता करें क्या। और अगर नहीं तो डेट पहले निकाल दें, ताकि हम कोई ट्रिप वगैरह भी प्लान कर सकें। फ़िलहाल तो मैं किसी ट्रिप पर भी प्लान नहीं कर सकती। Okay. मैंने उसे उसको इतना देखा। आई थिंक मैंने एक गलती कर दी है, क्योंकि जो रील मैं शूट करना चाह रही हूँ उसमें मेकअप के पहले एक करना था। क्या ही मेकअप, कुछ तो पता नहीं चल रहा है। तो पहले वो शूट करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत, अब मैं इसे नहीं होगा, मेरे पेशेंस में इतना ही हो सकता था। उसके बाद चलो अब रील्स सीधे शूट करते हैं, बस लिपस्टिक लगाऊंगी और फिर चलो शूट करते हैं। एक्चुअली मैंने सोचा था मेरा बैकग्राउंड ये होगा, बट यहाँ पे कूलर है, तो अब आई हैव अनदर ऑप्शन, यहाँ शूट करूँ, बट लाइटिंग अच्छी नहीं है। आई थिंक इस साइड से लाइटिंग अच्छी है, तो मैं इस कूलर को यहाँ से हटाऊँगी। भाई साहब हट जाइए थोड़ा। तो कूलर को मैंने यहाँ से यहाँ कर दिया है, बाद में शिफ्ट कर दूंगी। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक ट्राइपॉड। परफेक्ट। मुझे नहीं पता साड़ी कैसे पहनते हैं, बट आई जस्ट ट्राइड एंड आई सक्सेसफुली फेल्ड। रील्स तो बन जाएगा, बट आई कांट शो यू मैंने कैसे पहना हुआ है। दिखाती हूँ, वेट। जस्ट लुक एट दिस। वीडियो में इतना बुरा नहीं लगेगा, आई थिंक रील्स तो अच्छे से बन ही जाएंगे। तो दैट्स व्हाट हमारा मकसद है। मुझे सच में खुद भी देख के हंसी आ रही है। आई कैन टेल यू कि मैंने कैसे इसको फिक्स करके रखा हुआ है इधर से, एंड इट्स हॉरिबल। बहुत ही ख़राब तरीके से पहना है मैंने, एंड इतना तो पता है कि इस तरीके से तो नहीं पहनते, बट आई विल लर्न। आज रील्स बना लेते हैं। वीडियो तो जैसे तैसे बन गया, पता नहीं कैसा ही बना, बट ये क्या है, अब मैं इसका क्या करूं और इसको मैं कैसे ठीक करूं। ये तो मुझे आता भी नहीं ठीक से वो करना, फोल्ड करना। और अब मेरे को रियल क्रिंज लग रहा है कि अब मैं क्या करूं यार।
देखो वैसे तो लोग कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन अगर कर्म मेरे जैसे कर रहे हो ना तो पहले फल की चिंता करो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक तो इसको पहनना डिफिकल्ट है। मैं देखो टैलेंट तो है मुझ में, ऐसा नहीं है, नहीं है, जस्ट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला ऐसे ही अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। हम तो साड़ी के शॉप पे है क्या, जस्ट लुक एट दिस, इतनी लंबी साड़ी मैंने इतनी नाइस चुकी। हाँ हो गया, मैंने वॉश भी कर लिया भाई साहब, इट्स वेरी 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 बोरिंग, बहुत बेकार काम है। That's it for today. Thank you for watching. मिलते हैं next vlog में। वैसे पूरा वीडियो देख के अब तक थक चुके होगे, तो ये लो थोड़ा चाय पी लो, और अगर वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे, बाय।